हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। कल आप रेस्ट मोशन और रिलेटिव मोशन इज रिलेटिव इस टर्म को समझे थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक स्टूडेंट, एक यहाँ पे बॉडी है ए, और ये इस तरफ 5 मीटर गया बी तक, तो इसके डिस्टेंस हो गए 5 मीटर। अगर ये बॉडी फिर यहाँ से मान लीजिए ए से बी तक गए 4 मीटर, और इधर से सपोज इस तरफ आए 3 मीटर, फिर इधर आए 2 मीटर, 4 या 3 मीटर मान लीजिए, तो टोटल इसका डिस्टेंस हो गया 4 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर, 10 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस जो हम लोग डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस है क्या? इट इज द मेजर, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ डिस्टेंस length of actual path covered by the body। suppose आप देखिए यहाँ पे बॉडी ए जो है ए से बी तक आया, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे ए बी से गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो ये इसका डिस्टेंस है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट इज मीटर। इसका यूनिट मीटर है, ऐसे एसआई यूनिट हम लोग बोलेंगे, मीटर है, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर। ऐसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, डिस्टेंस तो हर यूनिट में मेजर किया जाता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड एसआई यूनिट हुआ आपको। इस यूनिट को मेजर, एक्चुअली इसके डिस्टेंस के जो यूनिट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बड़ा यूनिट यूज करते हैं, छोटा डिस्टेंस यूज मेजर करने के लिए छोटा यूनिट यूज करते हैं, जैसे किलोमीटर, माइल, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। शॉर्ट डिस्टेंस मीटर, सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया आपको मीटर। अब इसमें यूनिट है, मीनिंग है स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इट डज नॉट नीड डायरेक्शन टू डिस्क्राइब कम्प्लीटली। इसका स्केलर मतलब कि इस डिस्टेंस को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शंस का आवश्यकता नहीं होगा। अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट
length of the path covered by a body in moving from one point to other point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए करने में जो सबसे छोटा लेंथ होगा पाथ का उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. सपोज एक ऑब्जेक्ट ए यहां से मूव करके 5 मीटर इधर गया बी तक और फिर यहां से मूव करके ये अगेन यहां आ गया. पहले तो यहां से यहां गया फिर यहां से यहां तक मूव करके आ गया. तो ये 5 इधर मूव किया सपोज यहां से ये 2.5 मूव किया तो इसके इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में पहले इधर गया फिर यहां से यहां आया तो इसको हम लोग ये जो सी है इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल पॉइंट और ए को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट. तो ये जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ए सी. ये कितना हो गया ए बी माइनस बी सी 5 - 2.5 = 2.5 मीटर. ये तो जब स्ट्रेट लाइन में था तब. सपोज अब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है यहां से इधर 4 मीटर गया ए से बी तक फिर यहां से सपोज नॉर्थ के तरफ ये 3 मीटर जा रहा है. अब जो है बताना है कि किस कितना डिस्प्लेस हुआ. तो आप देख रहे हैं ये यहां से यहां तक गया 4 मीटर + 3 मीटर ये हो गया उसका डिस्टेंस. लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ क्या है जैसे ये घूम के गया ज्यादा लंबा पाथ हुआ तो ये जो पाथ होगा शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ए सी को. तो अगर इस राइट ट्रायंगल को हम लोग माने तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 16 + 9 = 25 यानी 5 सेंटीमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट इसका 5 सेंटीमीटर हो गया. डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. ओके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एक बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रहा है यहां से स्टार्ट किया फिर यहीं यहां पर आके रुक गया. ए से स्टार्ट किया था सर्कुलर पाथ में चला फिर इसी पॉइंट पे आ गया. अब देखिए ये शुरू में यहां पे था इनिशियल पॉइंट ए पे फाइनल पॉइंट भी इनका ए पे ही है तो इसके बीच डिस्टेंस क्या होगा ए से ए. तो सबसे छोटा ए तो घूम के हुआ यहां से यहां तक हो गया इसका डिस्टेंस हुआ तो डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं इस सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस हो जाएगा डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा
तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको कह रहे हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं आ गया, तो इसके और यही पे पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं, जीरो। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो यूनिट। अब सपोज सर्कुलर पाथ पे ए से स्टार्ट हुआ और आधा सर्कल तक पहुंचा, मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक आया, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मान लीजिए ये सर्कमफेरेंस जो है 11 मीटर है और ये जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए आर के ए बी का अगर आप लेंथ बोल रहे हैं तो दिस इज डिस्टेंस 11 सेंटीमीटर, और ये जो ए बी हो गया शॉर्टेस्ट, दिस शॉर्टेस्ट वन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए सर्कल का डायमीटर का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि देखिए ये मान लीजिए सेमी सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस का 2πr होता है, तो πr सर्कमफेरेंस है, यहाँ पे सेमी सर्कल है, यानी सी बाई टू इक्वल टू पाई आर बाय पाई आर, यहाँ पे हाफ दिया हुआ है 11 पाई आर, आर इक्वल टू 11 बाय पाई, 11 पाई बाय 7, 11 7 ऊपर हो गया 22, इसे कैंसिल कीजिए 2, तो 7 बाय 2 मीटर, सपोज ये मीटर में है तो 7 बाय 2 रेडियस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये ए बी है, दैट इज 2r, 2 इंटू 7 बाई 2, यानी कि 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर विल बी द डायमीटर, डायमीटर ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो ए बी इक्वल टू डबल ऑफ r रेडियस, रेडियस हमारा 7 बाई 2 आया, रख देंगे कैंसिल 2, 7 मीटर, ये 7 मीटर आपको क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई थिंक आप समझ गए हैं। तो अब आप देखिए डिस्टेंस में क्या था, आपको कोई डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं था, जितना लेंथ था सबको माप देते थे, लेकिन इसमें डायरेक्शंस का जरूरी लिया हम लोग, इसलिए कहेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट कंप्लीटली, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस का भी जरूरी है। जैसे अब मान लीजिए कि ये है, तो इसका डायरेक्शन तो यहाँ से यहाँ तक ना हो गया डिस्प्लेसमेंट में, ओके। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, आज आप इस पॉइंट को लिखेंगे और समोराइज करेंगे, कुछ कमेंट दिक्कत हो तो उसको कमेंट करके पूछे।